जय श्री श्याम बेटा। देखिए जय श्री श्याम। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 5। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5। 8 है क्या? चलो 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। अतुल ट्रेडर्स बीकानेर हु हैव ए रिटेल ब्रांच एट कोटा सप्लाइड गुड्स एट कोस्ट प्लस 25% फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द कोटा ब्रांच अकाउंट इन द एचओ बुक्स। एचओ की बुक्स में आपको क्या बनाना बेटा? हाँ, ओपनिंग स्टॉक दे रखा आपको, ठीक है। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच दे रखा बेटा आपको। गुड्स रेमिटेड टू एचओ दे रखा है। लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट, थेफ्ट ऑफ गुड्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश रेमिटेड टू ब्रांच बाय एचओ टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक और कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके का है, आराम से समझ के करते हैं हमने इसको। देखो इसको, अब इस क्वेश्चन में देखो नीचे लिखा है इसने कि आप किस पे ब्रांच, उस पे गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनाओ, नहीं बोला उसने, नहीं बोला ना। अच्छा, आपकी बुक में ये लिखा हुआ कि इनवॉइस पे बनाना है, लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पक्का ढंग से पढ़ो लाइन ऊपर, देखो क्या लिखा है, पढ़ना बेटा एक बार। आप पढ़ना। बस ये लिखा ना एचओ की बुक्स में, क्या बढ़ाओ। उसके बाद देखो गुड्स ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, यस। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, कैश रेमिट टू एचओ, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस इन ट्रांजिट, थेफ्ट ऑफ गुड्स, ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अब सुनो, कोटा ब्रांच अकाउंट, कोटा ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले अपने को बेटा क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, अपने इसको इनवॉइस पे बना रहे हैं, आपकी इच्छा है, ठीक। किस पे बना रहे हैं अपने? इनवॉइस पे। इसमें टू बैलेंस बीडी, यस, स्टॉक बोलो, स्टॉक दे रखा हमारे को बेटा, कितना दे रखा है स्टॉक? 70,000। टू गुड सेंड टू ब्रांच कितना? 280, ठीक है। कैश रेमिट बाय एचओ टू ब्रांच एक्सपेंस, खर्चों के लिए पैसा भेजा बेटा, कितना भेजा है? 42,000। तो टू बैंक एक्सपेंस के लिए भेजा है कितना बेटा? 42,000। लॉस ऑफ गुड्स, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस इन ट्रांजिट, बड़े ध्यान से सुनना, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस इन ट्रांजिट, कितने रुपए दे रखे बताओ? बताओ बेटा, 35,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो यार बेटा, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस इन ट्रांजिट, इस पर टिक लगा लो, इसको छोड़ दो, अभी समझाता हूं इसको मैं, ठीक है। कितने थे लॉस ऑफ गुड्स, लॉस इन ट्रांजिट? 35,000 ना, ठीक है। उसके बाद बोलता है थेफ्ट ऑफ गुड्स, मतलब 14,000 रुपए की गुड्स की क्या होगी? चोरी होगी। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये 14,000 भी कोस्ट पे नहीं है, कितने किस पे है? इनवॉइस पे। अच्छा, चोरी हो गई तो आपने बेटा इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, क्या करवा रखा था? तो इंश्योरेंस जब करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्या पे करती है? कंपनसेशन पे करती है ना, क्लेम देती है। तो इसके साथ लास्ट पॉइंट के साथ अटैच है, ध्यान सुन लो। तो कभी भी ऐसी पॉइंट आए ना
तो उस पर स्टार लगा के उस पर स्टार लगा दो, मतलब दोनों स्टार, मतलब ये वाला स्टार इस स्टार से क्या है, लिंक है। तो सबसे लास्ट पॉइंट देखो, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, लॉस ऑफ गुड्स इन है, अच्छा लो, हाँ सॉरी लॉस वाले का है, लॉस वाले का कंपनसेशन है बेटा, बिल्कुल सही है, लॉस वाले का है, सॉरी मैं इसको गलत कर गया, ठीक है, लॉस वाले का, हाँ लॉस ऑफ थेफ्ट कितना था ऊपर देखो 35,000, उस पे स्टार लगा के इस पे स्टार लगा दो, समझ आ गई बात, मतलब आपका लॉस कितना हुआ 35 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितने दिए 21। अब मेरी बात सुनो, देखो गुड्स आते हैं तो यहाँ डेबिट होते हैं, बोलो बेटा उसकी कॉस्ट यहाँ डेबिट, बेचते हैं तो यहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, जब बेचते हैं तो ब्रांच ने डेटर को बेच हम लिखते हैं, लेकिन ब्रांच जब उससे पैसे लेती है तो हमें देती है, तो वही तो सेल देती है, और कौन सी देती है, वो इनडायरेक्टली सेल बुक हो जाती है, नहीं हो जाती है। अब ये जो गुड्स थे बेटा, ये हमारे जो इसके गुड्स, तो बेटा जब परचेज करेगा तो डेबिट होगा और सेल करेगा तो क्रेडिट होगा, समझ गए मेरी बात, लेकिन जब ब्रांच कस्टमर को बेचेगी वो सेल नहीं आएगी, है ना, क्योंकि थर्ड, लेकिन फिर वो सेल का पैसा आएगा ब्रांच के पास, और ब्रांच फिर वही पैसा किसको भेजेगी, मतलब पहली बार में रिकॉर्ड ना करके दूसरी बार में रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड तो वो सेल ही होती ना, लॉजिक समझ हो गया, ये चैप्टर पढ़ना है सीएमए, इसलिए लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये गुड्स हमारा लॉस हो गया, गुम हो गया, चोरी हो गया रस्ते में, इन ट्रांजिट का मतलब रस्ते के अंदर, ठीक है। अब उसकी यहाँ ये गुड्स भेजा था दोस्ती का, इसी में से गुमा होगा ना, इसी में से गुमा होगा, तो बेटा उसकी कॉस्ट तो डेबिट हो गई है ना। अच्छा वो बिकता तो सेल आ जाती, नहीं बिका तो कॉस्ट तो डेबिट होगी, सेल क्रेडिट होगी नहीं, वो लॉस अपने आप बुक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि डीआर तो हो गया और सीआर हुआ नहीं, और खर्चे क्या होते हैं डीआर, वो डीआर हो गया कि नहीं हो गया, तो दोबारा से लॉस को डीआर करने की जरूरत, अब बच्चा ये बात समझता नहीं है, और मैंने लॉजिक से समझाया आपको, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर छुपी हुई है कॉस्ट। अच्छा लेकिन इस इसमें से जो गुमा था ना हमारा गुड्स, कितने का गुमा था बेटा 35,000, उसमें से 21,000 तो हमारे लिए इनकम होगी, तो 21,000 की इनकम को बुक कर लो, बात समझ आ गई, ये पैसा 21,000 रुपये हमारे को बीमा कंपनी से मिल गया, तो बीमा कंपनी से हमारे को 21,000 रुपये मिला है, ये बुक कर लो, और ये पैसा हेड ऑफिस को जाएगा बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में लिख दो क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड कितना बेटा 21,000। उसके बाद देखो बेटा कैश सेल्स 350 बाय बैंक, या कैश लिख सकते हो सेल कितनी बेटा, और बोलो क्रेडिट सेल नहीं आएगी, कैश रेमिट टू ब्रांच बाय एक्चुअल टू परचेज द प्लांट एंड मशीनरी कितने का बेटा 70,000 रुपए का प्लांट और मशीनरी खरीदा है, भेज दो टू बैंक किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, कितने रुपए भेजे 70,000, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी कितना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 84,000, ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी, ये स्टॉक का था ना, और प्लांट और मशीनरी का कितना बेटा 70,000। प्लांट और मशीनरी का अपना 70,000 रुपये, ठीक है। अच्छा अब देखो क्रेडिट सेल्स कितनी की थी 77,000 ना, अब क्रेडिट सेल इसने 70,000 रुपये की, ठीक है, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्या था 0, और 77 से कलेक्शन तो हुई नहीं, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा
समझ आ गया आपको, डेटर लिखो बेटा। सोच सोच के करने वाला क्वेश्चन है ये 70। पता बच्चा क्या करता है विशाल, वो क्या नाम है, ओपनिंग ना दे सीधा क्लोजिंग देता है ना, वहां दिक्कत आ जाती है। डेटर के पहले से आ गए 77,000। बस हो गया यहां तक तो ना। अब सुनो बड़ा सुनो भाई, ये ओपनिंग स्टॉक था बेटा, ये किस पे है, इसमें जो प्रॉफिट निकलूड है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, या अलग अकाउंट खोल के यहां रिवर्स कर दो। तो उसने पूछा था ही अपने काम क्यों बढ़ाए, ठीक है तो यही लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, मतलब स्टॉक की एडजस्टमेंट की, मतलब वो जो एक्स्ट्रा था वो समझ गए। हाँ कितना था बेटा 70,000, अब ये कोस्ट में कितना जोड़ता है 25, तो मतलब सेल प्राइस कितना हो गया 125। बोलो तो डिवाइड किससे करोगे, 125 से क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना बाबू प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 25 से, बोलो कितना आया 14,000। उसके बाद ये देखो इसका कैंसिल हो गया, अब जो इसने गुड्स भेजा था बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच उसका प्रॉफिट रिवर्स करेंगे, समझा क्या। प्रॉफिट को बेटा एक वर्ड बता रहा हूं, लोड। क्या प्रॉफिट को लोड भी बोलते हैं, लोड करते हैं। तो हमने उतना भार डाल दिया ना उसके ऊपर, अरे कोस्ट हो 25 प्रॉफिट, तो कितना भार डाल दिया उसके ऊपर 25, तो कितने की होगी 125 की। कहता ये बार भी मैं ही सेंड करूंगा, कहते ही इसलिए लोड रूल बोलते हैं प्रॉफिट को, क्या बोलते हैं लोड। तो आप इसको ब्रैकेट में लोड, ये बी कॉमा नहीं समझेंगे, सीए के बता रहा हूँ मैं, लोड रूल बोलते हैं, ठीक है। कितना है बेटा 280 डिवाइड बाय 125 इंटू 25, बोलो बेटा कितना है 56,000। अब मेरी बात सुनो, एक पॉइंट छोटा था मैंने सिर्फ, हाँ वो मैं क्यों नहीं लिख रहा, अभी लॉजिक बताया गया हूं, वो यहां डेबिट हो चुका, यहां क्रेडिट हुआ नहीं, ठीक है। तो खर्चा डेबिट हो चुका है ऑलरेडी, तो खर्चा दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब बच्चा समझता है कि जो गुड्स भेजे हैं उसमें से कोई लॉस लगाया तो उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि उसकी कॉस्ट डेबिट होगी, क्रेडिट हुआ नहीं, तो वो कॉस्ट डेबिट होगी ना, वो खर्चा डेबिट हो चुका है। आप अगर लिख दोगे तो एक बार दोबारा डेबिट हो जाएगा वो। देखो जो भेजा, जो बिक जाता है वो सेल में आ जाता है, जो बच जाता है वो स्टॉक में आ जाता है, क्रेडिट तो होता है ना किसी किस तरीके से। तो ना तो ये बिका, ना तो ये सेल में आया, ना ये बचा, ना ये स्टॉक में आया, तो इसकी कॉस्ट डेबिट अकेली डेबिट हुई कि नहीं हुई, क्रेडिट तो खर्चा बुक हो गया ना, तो जी क्लियर है। हाँ अब निकाल दो प्रॉफिट, ठीक है बेटा। तो इसका प्रॉफिट कैंसिल कर दिया। अभी तो देखो हमारे पास
जो स्टॉक है बचा हुआ कितना 84, तो इसका प्रॉफिट भी क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो यहां पर लिखना जगह नहीं है मेरे पास, यहां पर टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, चलो मैं प्रॉफिट काट देता हूं यहां से, टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट कितना स्टॉक था बताओ, 84,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25, बोलो बेटा 16,800 अब आ जाएगा टू प्रॉफिट, कितना आया बेटा ट्रांसफर टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये प्रॉफिट है ना जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बताऊंगा क्या कितना आया बेटा 1,93,000 जर्नल पेंडल अकाउंट बेटा उन्होंने डिपार्टमेंटल बनाया था, दो ब्रांच दो डिपार्टमेंट दोनों इकट्ठा पेंडल का मतलब जनरल पेंडल, तो दो ब्रांच तीन ब्रांच जो दोनों इकट्ठा पेंडल बनेगा वो क्या होगा जनरल पेंडल, मतलब इस ब्रांच का भी चल जाएगा उसका भी चल जाएगा, तो जनरल पेंडल में जाते हैं, ठीक है नोट कर लो बेटा, हेडिंग डालो बेटा स्टॉक एंड डेटर मेथड, द ब्रांचेज फास्ट लिखना, द ब्रांचेज विच अंडरटेक अंडरटेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स एंड एंड हूज सेल्स इज एंड हूज सेल्स इज मोर whose sales is more due to expanded business area due to expanded business area then it is difficult to prepare then it is difficult to prepare ब्रांच अकाउंट ओनली, टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट ओनली एंड देर आर and there are more possibilities of error due to more transaction of amounts ये लॉजिक था समझाया मैं समझा दूंगा लिखो अब इसमें भी दो बात है बेटा अगर गुड्स ट्रांसफर किस पे भेज देते हैं कोस्ट पे और किस पे भेज देते हैं ठीक है ये तो अब लिखो ए When goods sent to branch at cost price, when goods sent to branch at cost price, first लिखना The following accounts are prepared under this method. अगली लाइन लिखो When goods are sent to branch at cost price, ये under adding है उस पे लिखो द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर दिस मेथड नंबर वन फर्स्ट लिखना नंबर वन नेक्स्ट लाइन में लिखना नंबर वन ब्रांच स्टॉक अकाउंट नेक्स्ट लाइन में लिखो ब्रांच नई लाइन में नंबर वन डालो ब्रांच स्टॉक अकाउंट फिर नेक्स्ट लाइन में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट फिर नेक्स्ट लाइन में ब्रांच डेटर अकाउंट तीन नंबर अलग अलग लाइन में लिखना बेटा नंबर वन स्टॉक अकाउंट नंबर ब्रांच स्टॉक अकाउंट नंबर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट
नंबर थर्ड ब्रांच डेटर अकाउंट, नंबर फोर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, नंबर फाइव ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट बनाएंगे, ये अकाउंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, जय श्री श्याम।